हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन भांडे सर्स अकेडमी। दिस इज प्रोफेसर आशीष भांडे एंड यू आर लर्निंग फिजिक्स। फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर बट आई रिमेम्बर हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन का, टाइप्स ऑफ मोशन जो होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये हमने अच्छे से देखा था। आज हम लोग हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस और उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं ये देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल वे। सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे हमने आपको कहा है कि हमारे पास थ्री डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। आई चेक चेंज द पेन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पैरामीटर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। आई होप आपको ये कलर जो है वो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। पहला होता है मोशन के तहत, यदि मैं बताऊँ आपको तो एक्स एक्सिस, देन आई विल से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपनी पोजिशन को ये तीन एक्सेस के अलॉन्ग चेंज करता है तो हम अकॉर्डिंगली उसे वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन एंड थ्री डायमेंशन मोशन कहेंगे। आई अगेन रिपीट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स दिशा में भी जा रहा है, वाई दिशा में भी जा रहा है और जेड दिशा में भी जा रहा है तो हम उसे अकॉर्डिंगली वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन मोशन कहते हैं। जैसे अभी आपको बता दूं, मोशन इन वन डायमेंशन, यू कैन ऑब्जर्व दिस एनिमेशन। हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इंसेक्ट इज ट्रेवलिंग ओनली इन द एक्स डायरेक्शन। इफ सपोज आई वॉन्ट टू ड्रॉ द एक्स वाई एक्सिस, मान लीजिए यहां एक्स एक्सिस है, यहां पर वाई एक्सिस है, तो ये जो मोशन हो रही है ये सिर्फ एक ही दिशा में हो रही है। मतलब इसको मैथमेटिकली मैं कहूँ तो y के दिशा में, मतलब y के पैरामीटर्स में या y एक्सिस में इसके पोजीशन का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इट इज ओनली चेंजिंग इन x डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज दी वन डायमेंशंस मोशन। आई होप इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी क्लियर टू यू। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं बिकॉज इट इज हैपनिंग ओनली इन द स्ट्रेट लाइन। इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। आमतौर पर, टेक्निकल तौर पर इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। जैसे ये दूसरा मोशन है, द व्हीकल इज मूविंग, यहाँ पे कार जो है वो रोड पे मूव कर रही है। तो जब भी कार रोड पे मूव करती है तो वो हवा में नहीं उड़ती है, वो सिर्फ रोड पे मूव कर रही है। मतलब इट इज ओनली चेंजिंग दी वन डायरेक्शन, ओनली चेंजिंग इन दी एक्स डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ वन डायमेंशन मोशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टू डायमेंशन मोशन। इन टू डायमेंशन मोशन आई विल शो यू विद द एनिमेशन। यू कैन ऑब्जर्व here you can observe that this cartoon is moving, like यहां से इसने jump किया और यह यहां पर गया। यदि मैं इसकी dimensions को आपके सामने draw करूं तो आपको मैं और आसान भाषा में समझा सकता हूं कि पहले यह यहां पर था, यहां से यह यहां गया और फिर यहां पर यह यहां पर यहां, यहां से यह finally यहां पर आया। If we could observe and we will draw this, यह हो गया अपना x axis बच्चों और ये हो गया अपना y एक्सिस। यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो जब ये वाला ऑब्जेक्ट अपना कार्टून यहाँ पे गया तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। यदि मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो आई वुड लाइक टू कॉल एक्स वन डिस्टेंस, आई वुड लाइक टू कॉल वाई वन डिस्टेंस। मतलब ये यहाँ से एक्स दूरी पे गया, यहाँ पे वाई दूरी पे गया। इसका मतलब जब ये यहाँ पे गया तो इसने दोनों पैरामीटर्स को, एक्स और वाई दोनों को चेंज किया। मतलब ये जब ये सामने जा रहा है तो उसी समय ये ऊपर भी जा रहा है। सो इफ इट इज मूविंग फॉरवर्ड इट इज मूविंग एट द हाइट ऑल्सो, अपवर्ड ऑल्सो, सो आई कैन से ये दोनों पैरामीटर्स को चेंज कर रहा है। फिर यहां गया तो ये सामने भी गया, थोड़ा नीचे आया, फिर यहां से यहां गया तो सामने तो ये कंटिन्यूस जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एक हाइट पर जा रहा है और नीचे आ रहा है। मतलब ये पूरे मोशन में हम ये कह सकते हैं एक्स और वाई दोनों पैरामीटर्स चेंज हुए एंड दैट्स वाई वी कॉल्ड इट द टू डायमेंशंस मोशन।
तो बहुत ही आसान है समझना, जैसे मैं जमीन के ऊपर चल रहा हूं तो इट्स अ वन डायमेंशन मोशन। इफ आई विल टेक द जंप और मैं ऐसा फॉरवर्ड जंप ले लूं तो मैं ऊपर भी जा रहा हूं और सामने भी जा रहा हूं, तो मैं दो पैरामीटर को चेंज कर रहा हूं, सो देन इट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशन मोशन। वेरी सिंपल वे। नाउ विल गो फॉर अंडरस्टैंडिंग अनादर। नाउ आई एम आस्किंग यू, ये जो मछली है यहां से जंप कर रही है और इधर जा रही है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां से जंप कर रही है यहां जा रही है। तो जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट इज, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट इज, व्हाट टाइप ऑफ मोशन। यस यस एग्जैक्टली यस, इट इज ए टू डायमेंशंस मोशन। ये क्यों टू डायमेंशन मोशन है बच्चों? देखिए मैं मछली को अभी पकड़ता हूँ, यस नहीं छूट गई, चलिए फिर से कोशिश करते हैं। तो ये किस टाइप की मोशन है? चलिए मछली छूट रही है। आई वुड से दिस इज ए टू डायमेंशन मोशन। वाई? क्योंकि मछली यहां से निकली, फिर यहां गई और फिर पानी के अंदर गई, शायद पेन नहीं दिख रहा है, यहां से निकली, यहां गई और फिर यहां पे गई, फिर से मैं वही काम कर रहा हूं, एक्स ड्रॉ कर रहा हूं, वाई ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से यहां जाना, यहां से वापस यहां आना, मतलब जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मैं एक्स डिस्टेंस को चेंज कर रहा हूं और यहां से यहां जा रहा हूं तो वाई, मतलब जब ये पॉइंट यहां आ रहा है तो ये एक्स और वाई दोनों पैरामीटर को चेंज कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई सिंपली इट इज द टू डायमेंशनल मोशन। Nothing in it. It's very simple. Now, this cockroach moves on the floor. The another questions for you guys. Very interesting. ये कॉकरोच है, ये फ्लोर पे है और देखिए कॉकरोच कैसे चल रहा है, ये सामने जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है और ऊपर नीचे जा रहा है। So can you tell me which motion is this? Yes, exactly. It is the two dimensional motion. तो ये कौन सी motion है? Two dimensional motion है। उसके बाद में ये दूसरा इंसेक्ट है, ये बेचारा गरीब है, ये सीधा जा रहा है, इट इज मूविंग इन दी स्ट्रेट पाथ, तो ये कौन सी मोशन होगी? वन डायमेंशन मोशन, बिकॉज इट इज चेंजिंग ओनली वन पैरामीटर। देखिए ये होगी वन डायमेंशन मोशन, ऊपर वाली हो गई है टू डायमेंशन। दिस इज द मोशन इन दी प्लेन, वी कैन से। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट, दैट इज थ्री डायमेंशन मोशन। दिस मोशन इज इन द स्पेस। अब हम लोग कहते हैं कि ये देखिए, यदि कोई सैटेलाइट स्पेस में उड़ रहा है, सैटेलाइट यदि स्पेस में उड़ रहा है तो यहाँ पे तीनों चीज़ें होती है, वो एक्स डायमेंशंस भी चेंज करता है, वाई भी और जेड भी, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। आमतौर पे जैसे ये चीज़ मैंने हवा में बताई है, तो ये तो मैं कहूँगा कि एक रेफरेंस पॉइंट बोला, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस, वाई से इसका डिस्टेंस और ग्राउंड से इसकी हाइट, मतलब एक हाइट पैरामीटर भी इसको डिफाइन करने के लिए, स्पेस में किसी चीज को डिफाइन करें तो उसके लिए हाइट भी जरूरी है, मतलब तीसरा एक्सिस भी इन्वॉल्व होता है। सो इन दिस वे वी कैन से इट रिक्वायर्स दी थ्री डिफरेंट पैरामीटर्स टू डिफाइन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज थ्री डायमेंशन मोशन। आपके सामने ये मोशन है, देखिए आप, हम लोग इसको कौन सी मोशन कहेंगे? वी कैन से दिस मोशन इज द मोशन इन थ्री डायमेंशंस। फ्रेंड्स, इट वॉज अ वेरी सिंपल टॉपिक। जिन लोगों को वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है, ये वीडियो के बाद दूर हो जाएगा। MCQs, मोशन इन वन डायमेंशन इज अ, MCQs को देखते हैं, कर्व्ड होती है, सर्क्यूलर होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, रोटरी होती है। येस एग्जैक्टली द आंसर इज सी, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, हमने देखा है, इंसेक्ट भी जो था वो सीधा सीधा जा रहा था, तो वन डायमेंशन में मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। मोशन इन टू डायमेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोशन इन स्पेस। नो, मोशन इन स्पेस मतलब थ्री डायमेंशन मोशन होती है, मोशन इन प्लेन, उसके बाद में मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन। लीनियर तो नहीं होगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगी, स्पेस भी नहीं होगी, तो क्या होगी? मोशन इन प्लेन। सो इट रिक्वायर्स एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोशन इन प्लेन। सो इट वाज एन सिंपल एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन मोशन। सो फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू बी इन कॉन्टैक्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।